हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 के लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट्स लगेंगे, हम लोग उसको पढ़ लेते हैं पहले। ओके, सो स्टार्टिंग विद स्टेटमेंट पैटर्न। नाउ व्हाट इज स्टेटमेंट पैटर्न? प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट लेटर्स एंड कनेक्टिव्स। व्हाट इज स्टेटमेंट लेटर्स? ठीक है, स्टेटमेंट लेटर्स यानी कि हमारे स्टेटमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग स्टेटमेंट को कैसे डिनोट करते थे? पी क्यू आर एस। ओके, सो दिस स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड ए स्टेटमेंट लेटर्स। ओके, और कनेक्टिव्स हमने देखा था एंड और इम्प्लाइज, डबल इम्प्लाइज, नेगेशन। ठीक है, सो प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट लेटर्स एंड कनेक्टिव्स इज कॉल्ड ए स्टेटमेंट पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा पी एंड क्यू, तो ये एक स्टेटमेंट पैटर्न है। मैंने लिखा पी इम्प्लाइज क्यू, ये एक स्टेटमेंट पैटर्न है। पी डबल इम्प्लाइज क्यू, ये एक स्टेटमेंट पैटर्न है। या फिर मैं ऐसे लिखता हूँ कि पी एंड क्यू और P implies Q, ये भी एक स्टेटमेंट पैटर्न है ये पूरा। या फिर मैंने लिखा कि P and Q and अगेन फिर मैं लिखता हूँ R। ठीक है, तीन स्टेटमेंट ले लिया, implies P and Q। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए? ये सारे स्टेटमेंट पैटर्न हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस पे। लॉजिकल इक्विवेलेंस, टू स्टेटमेंट पैटर्न्स आर सेट टू बी इक्विवेलेंट। ठीक है, दो स्टेटमेंट पैटर्न को हम लोग इक्वल बोल सकते हैं कब? आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ दे आर ट्रुथ टेबल्स आर आइडेंटिकल। ओके, इफ दे आर ट्रुथ टेबल आर आइडेंटिकल। सपोज मैंने एक स्टेटमेंट पैटर्न ले लिया पी एंड क्यू। ठीक है, एक और स्टेटमेंट पैटर्न ले लिया नेगेशन द होल, पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट पैटर्न हैं। ये दो स्टेटमेंट पैटर्न इक्वल कब होंगे? जब इनका ट्रुथ टेबल, दोनों का ट्रुथ टेबल क्या होगा? सेम होगा। देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि दिस टू स्टेटमेंट पैटर्न्स आर आइडेंटिकल, और मैं इसको ये साइन से डिनोट करूँगा। ठीक है, तो चलो हम लोग देख लेते हैं कि ये दो स्टेटमेंट पैटर्न इक्विवेलेंट है या नहीं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। ओके, मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, लिख लिया पी एंड क्यू, इसका टेबल बना लो पी क्यू। ओके, पी क्यू। ठीक है, इसके बाद में आ जाएगा, और फाइनली हमको निकालना है पी एंड क्यू। तो ये ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ओके, इतना क्लियर हो गया। ओके, तो यहाँ पे आएगा ट्रू, ये आएगा फॉल्स, ये भी आएगा फॉल्स, और ये भी आएगा फॉल्स। हमने ये देखा था पी एंड क्यू में, ये हो गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड का। ठीक है, तो मुझे पी एंड क्यू मिल गया। अब मैं लेता हूँ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे हमको निकालना है P implies negation Q का negation निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए भी हमको यहाँ लगेगा P Q। ओके, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। नेक्स्ट हमको फाइंड करना पड़ेगा पहले P implies negation Q, इसके बाद में हम लोग P implies negation Q का भी नेगेशन निकालेंगे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देख लो, अब P implies नेगेशन क्यों निकालना है, लेकिन इसमें गड़बड़ हो गया। गड़बड़ ये है कि हमको Q नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? नेगेशन क्यों चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमको नेगेशन क्यों फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या करते हैं, पहले नेगेशन क्यों निकाल लेते हैं। तो मैंने नेगेशन क्यों निकाल लिया, तो क्या होगा? ट्रू का फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेगेशन ऑफ क्यू निकालना है, तो क्यू को ध्यान से देखना, लोग पी को मत देख लेना। ठीक है, फॉल्स है तो ट्रू, यहाँ पे आ जाएगा अगेन फॉल्स, और यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू। ठीक है, ये वाला पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू। तो हमने देखा है नया इम्प्लाइज में कि पहला स्टेटमेंट ट्रू, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स, तो ये केस क्या होता है? फॉल्स होता है। ठीक है, इम्प्लाइज के टर्म में हमने ये चीज़ देखा था। तो P implies negation क्यों, देखो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो ही क्या आएगा? फॉल्स आएगा, अदरवाइज सब क्या आएंगे? ट्रू आएंगे। ठीक है, पहला ट्रू दूसरा ट्रू तो भी ट्रू आएगा, दोनों फॉल्स तो भी ट्रू आएगा, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू तो भी क्या आएगा? ट्रू आएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हमको लास्ट क्या निकालना है? हमको लास्ट निकालना है हमको P implies negation Q का भी negation। ठीक है, ओके, अब इस पूरे चीज़ का नेगेशन निकालना है, तो F का क्या हो जाएगा? T हो जाएगा, ये हो गया F, ये हो गया F, और ये भी क्या हो गया? F। ठीक है, तो देख लो, इसकी ट्रूथ वैल्यू चेक करो, इसकी ट्रूथ वैल्यू चेक करो, देखो बराबर है। ओके,
देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट पैटर्न इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू दिस स्टेटमेंट पैटर्न, और उसको हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है, ओके. नेक्स्ट कंसेप्ट है टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कंटिजेंसी. सो वॉट इज टॉटोलॉजी? अ स्टेटमेंट पैटर्न हैविंग ट्रूथ वैल्यूज ऑलवेज ट्रू, ठीक है. तो एक ऐसा स्टेटमेंट पैटर्न जिसका ट्रूथ वैल्यू हमेशा क्या आएगा, ट्रू आएगा, तो वो क्या होगा, टॉटोलॉजी होगा, ठीक है. टॉटोलॉजी यानी कि ये टी है, इस टी से हमेशा याद रखो, टॉटोलॉजी मीन्स क्या, ट्रू, ओके. तो नेक्स्ट है कॉन्ट्राडिक्शन, मीन्स क्या, अ स्टेटमेंट पैटर्न हैविंग ट्रूथ वैल्यू ऑलवेज फॉल्स, ट्रूथ वैल्यू ऑलवेज फॉल्स, तो वो क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्शन होगा. कंटिजेंसी क्या है, ना ही टॉटोलॉजी होगा ना ही कॉन्ट्राडिक्शन होगा, तो वो क्या होगा, कंटिजेंसी. मीन्स कि अ स्टेटमेंट पैटर्न हैविंग ट्रूथ वैल्यूज एस ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ऐसे, ठीक है, मिक्सचर होगा, तो वो क्या होगा, कंटिजेंसी होगा, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक स्टेटमेंट पैटर्न लिख लिया कि P डबल इम्प्लाइज Q, ठीक है, अगेन डबल इम्प्लाइज Q डबल इम्प्लाइज P. अब हमको ये स्टेटमेंट पैटर्न दिया हुआ है और हमको पता करना है कि ये स्टेटमेंट पैटर्न टॉटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है या कंटिजेंसी है, ओके. तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, P और Q लिख लिया, ठीक है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ओके, इतना क्लियर हो गया, ठीक है. नेक्स्ट हमको क्या निकालना पड़ेगा, P डबल इम्प्लाइज Q, तो ये ट्रू आ जाएगा, ये फॉल्स, ये केस फॉल्स, और ये केस क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है. नेक्स्ट है Q डबल इम्प्लाइज P, Q डबल इम्प्लाइज P, तो Q पहले आएगा और P बाद में आएगा, ठीक है, ट्रू ट्रू का ट्रू, ठीक है, फॉल्स ट्रू तो फॉल्स, अगेन ट्रू फॉल्स तो भी फॉल्स, ठीक है, और फॉल्स फॉल्स तो ट्रू, ठीक है, इतना क्लियर हुआ. अब हमको क्या निकालना है, पूरा आंसर निकालना है हमको, P डबल इम्प्लाइज Q, ठीक है, फिर बाद में Q डबल इम्प्लाइज P, इन दोनों का इम्प्लीकेशन निकालना है, सॉरी डबल इम्प्लीकेशन निकालना है, ठीक है, इतना क्लियर. तो देख लो, P डबल इम्प्लाइज Q, Q डबल इम्प्लाइज P, इन दोनों का इम्प्लीकेशन हमको निकालना है, तो दोनों ट्रू तो ट्रू, ठीक है, दोनों फॉल्स तो भी ट्रू, ये दोनों फॉल्स तो भी ट्रू, और दोनों ट्रू तो ट्रू, ठीक है. तो देख लो, ओके, अ स्टेटमेंट पैटर्न, अभी हम डेफिनेशन के हिसाब से, अ स्टेटमेंट पैटर्न हैविंग ट्रूथ टेबल, ठीक है, ट्रूथ टेबल ऑलवेज ट्रू. तो देखो यहाँ पे देख लो, ये स्टेटमेंट पैटर्न है, इसका ट्रूथ टेबल क्या है, इसकी जो ट्रूथ वैल्यूज हैं क्या आई है, सारे के सारे क्या है, ट्रू है, तो ये क्या हो जाएगा, टॉटोलॉजी हो जाएगा, ठीक है. अगर सारे फॉल्स होंगे तो वो क्या रहेगा, कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा, अगर ट्रू फॉल्स से मिक्सचर रहेंगे तो वो क्या रहेगा, कंटिजेंसी रहेगा, ठीक है. एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं ताकि तुमको एकदम क्लियर हो जाएगा, ओके. पी एंड नेगेशन पी निकालना है, ठीक है, तो मैंने पी लिख लिया, नेगेशन पी लिख लिया, इसके बाद में हमको क्या निकालना है, पी एंड नेगेशन पी, ठीक है. अभी एक स्टेटमेंट है तो दो ट्रूथ वैल्यूज रहेंगी, ये बात समझ जाना, एक स्टेटमेंट है तो दो वैल्यूज रहेंगी, दो स्टेटमेंट रहेगा तो चार वैल्यूज रहेंगी, जस्ट हमने प्रीवियस करके देखा अभी था, ठीक है. तीन स्टेटमेंट रहेंगे तो आठ ट्रूथ वैल्यूज रहेंगे, ठीक है, हम लोग देखते जाएंगे ये सब चीज़ें, एक्सरसाइज करेंगे तो जो थोड़े मोटे कॉन्सेप्ट्स हमारे वो भी क्लियर हो जाएंगे, ओके. तो यहाँ पे आ जाएगा एफ, यहाँ पे आ जाएगा ट्रू, ठीक है. इसके बाद में हमको पी, नेगेशन ऑफ पी का हमको क्या निकालना है, एंड निकालना है, ओके. तो यहाँ पे क्या आने वाला है, फॉल्स आने वाला है, यहाँ पर भी क्या आने वाला है, फॉल्स आने वाला है. तो देखो इसका स्टेटमेंट पैटर्न क्या आ गया, जिसका स्टेटमेंट पैटर्न है, ओके, इसकी सारी वैल्यूज क्या है, सारी वैल्यूज फॉल्स हैं, तो ये क्या हो गया, ये स्टेटमेंट पैटर्न क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है, यानी कि फॉल्स है, ओके, क्लियर, ओके. तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सरसाइज 1.2 के, टेक्स्ट बुक सामने रखना. देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न. तो हमको ये स्टेटमेंट पैटर्न दिया हुआ है, हमको क्या करना है, इसका ट्रूथ टेबल बनाना है, राइट. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके ट्रूथ टेबल को, सॉल्यूशन. सबसे पहले तुम्हारा काम है कि चेक करो कितने स्टेटमेंट हैं. तो देखो पी क्यू, ओके, ठीक है. तो यहाँ पर क्या है, दो ही स्टेटमेंट हैं, पी है और क्यू है, ठीक है. तो मैंने लिखा पी क्यू, ओके, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ओके, इतना क्लियर हो गया, ठीक है.
अब स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो। सबसे पहला रूल बोलता है ब्रैकेट को सॉल्व करो। तो ब्रैकेट में क्या है, पी इम्प्लाइज क्यू का मैंने एक टेबल बना लिया, ठीक है। पी इम्प्लाइज क्यू सॉल्व हो गया, अब मैं क्या सॉल्व करूँगा, पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू। तो मैं लिखता हूँ पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू, ओके। इसके बाद में लास्ट वन, अब ये पूरा सॉल्व करूँगा, पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू, ठीक है, इम्प्लाइज पी, ओके। अभी देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमको देखो ट्रूथ टेबल प्रॉपरली याद होना चाहिए, ओके। तो ये आएगा ट्रू, इस केस में ही क्या आने वाला है, फॉल्स आने वाला है। ये भी ट्रू हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो हमको पी इम्प्लाइज क्यू तो मिल गया, अब हमको क्या निकालना है, पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू, यानी पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू, ठीक है। पी इम्प्लाइज क्यू को इस क्यू के साथ में हमको क्या करना है, एंड ऑपरेशन करना है, राइट, ठीक है। तो इधर पे आने वाला है ट्रू, इधर आएगा फॉल्स, इधर आएगा ट्रू, ठीक है, और इधर पे आएगा फॉल्स, ओके। इतना क्लियर हुआ, ठीक है, ये स्टेप क्लियर हो गया। अब हमको क्या निकालना है, हमको ये मिल गया, अब हमको इस पूरे चीज़ को, ठीक है, पी के साथ में इम्प्लीकेशन करना है। तो ये स्टेटमेंट पैटर्न को इस पी के साथ में, ओके। देखो इधर पे ऑर्डर ज़रूरी है यहाँ, तो मैं तुमको ये यहाँ पे करके दिखाता हूँ, पहले थोड़ा सा ध्यान से देखना, ओके। तो अभी हमको क्या निकालना है, पी इम्प्लाइज क्यू निकालना है, एंड क्यू हमने फाइंड कर लिया, इसका इम्प्लीकेशन विद पी करना है, ठीक है। तो इसकी वैल्यूज़ क्या है, मैंने यहाँ पे लिख लेता हूँ टी एफ, ओके, ठीक है। इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे, तो पी क्या होगा, टी एफ एफ। अब इन दोनों के बीच में हमको क्या निकालना है, इम्प्लीकेशन निकालना है, राइट। तो इधर पे क्या आने वाला है हमको आंसर, यहाँ पे आएगा ट्रू, यहाँ पे आएगा अगेन ट्रू, ओके, यहाँ पे आएगा फॉल्स और यहाँ पे आएगा ट्रू, ठीक है। अगर इन केस तुमने इसका उल्टा किया, इन केस तुमने क्या किया, तुमने पी को पहले लिया, ठीक है, तुमने पी को पहले लिया और स्टेटमेंट पैटर्न को बाद में लिया, तो आंसर अलग आएगा। ध्यान से देखना, यहाँ पे हमेशा पी इम्प्लाइज क्यू में ऑर्डर ज़रूरी होता है, पी इम्प्लाइज क्यू, क्यू इम्प्लाइज पी, ये दोनों अलग अलग बात है, ठीक है। यहाँ पे दिखाने में फिर से लिख देता हूँ, पी इम्प्लाइज क्यू और क्यू इम्प्लाइज पी, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, ओके। जैसे कि पी एंड क्यू किया या फिर क्यू एंड किया, क्यू एंड पी किया, तो सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। सिमिलरली पी और क्यू, और क्यू और पी में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ओके। पी डबल इम्प्लाइज क्यू और क्यू डबल इम्प्लाइज पी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर पी इम्प्लाइज क्यू आया, क्यू इम्प्लाइज पी आया, ठीक है, तो इसमें तुमको बहुत ध्यान देना है, इसमें तुमको प्रॉपरली ध्यान देना है कि क्यू पहले है तो क्यू का वैल्यू पहले लिखूंगा, पी बाद में है तो पी का वैल्यू बाद में लिखूंगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें सेम आंसर नहीं आता है, तो इसके लिए मैंने तुमको करके दिखा दिया, ओके। ये स्टेटमेंट पहले है तो ये स्टेटमेंट मैंने उसकी वैल्यूज पहले लिखा, पी बाद में है तो पी की वैल्यूज बाद में लिखा, फिर देखो उसको इम्प्लाइज किया। अगर तुम इसका उल्टा करोगे, देखो तुमको आंसर अलग आएगा, ठीक है। तो इसको प्रॉपरली ध्यान से देखना, तो मुझे क्या आंसर आने वाला है यहाँ पे, टी एफ टी, ओके, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया और ये मेरा ट्रुथ टेबल हो गया। क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं, सॉल्यूशन, ओके। देखो फिर से चेक करो, कितने स्टेटमेंट है, दो ही स्टेटमेंट है, पी है और क्यू है, ठीक है, और क्यू का नेगेशन है। तो मैंने पी लिखा, क्यू लिखा, और मुझे क्या चाहिए, क्यू का नेगेशन चाहिए, ठीक। तो ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ओके, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, इतना तो क्लियर हो गया। इसके अंदर क्यू का नेगेशन चाहिए, तो क्यू का नेगेशन ये हो जाएगा फॉल्स, ये हो जाएगा ट्रू, ये हो जाएगा फॉल्स, ये हो जाएगा ट्रू, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग करते हैं, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, पी एंड नेगेशन क्यू चाहिए, राइट। तो मैंने एक कॉलम बना लिया, फिर नेक्स्ट हमको पी इम्प्लाइज क्यू चाहिए, दूसरा कॉलम बना लिया, और फाइनली हमको क्या चाहिए, पी एंड नेगेशन क्यू, क्यू इम्प्लाइज पी, इन दोनों के बीच में डबल इम्प्लीकेशन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, पी एंड नेगेशन क्यू, ठीक है, पी एंड नेगेशन क्यू, तो पी को देखना है और नेगेशन क्यू को देखना है, इसके बीच में हमको एंड ऑपरेशन करना है। एंड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ओके। मैंने हमेशा बोला है कि जो टी होगा उसको वन समझने का, जो फॉल्स होगा उसको ज़ीरो समझने का, ठीक है।
टी को क्या समझने का, वन समझने का, फॉल्स को जीरो समझने का, अगर एंड आएगा तो एंड को क्या समझने का, मल्टीप्लाई, और आएगा तो प्लस समझने का, ठीक है। इससे क्या होगा, तुमको ये सॉल्व करने में इजी पड़ेगा। तो देखो ओके, ये पी है, ये नेगेशन ऑफ की है, ये वन है, और ये एफ आया तो ज़ीरो है। इनके बीच में क्या करना है मुझे, एंड करना है, मतलब मल्टीप्लाई वाला ऑपरेशन लगाना है। तो वन इंटू ज़ीरो ज़ीरो, तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स। वन इंटू वन वन, ठीक है। तो इधर पे क्या आने वाला है, वन आएगा यानी ट्रू आएगा, ठीक है। ज़ीरो इंटू ज़ीरो ज़ीरो, तो यहाँ पे क्या आ गया, एफ आ गया। ज़ीरो इंटू वन अगेन क्या आएगा, ज़ीरो, तो यहाँ पे आएगा एफ, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमको निकालना है पी इम्प्लाइज क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू, तो टी एफ टी टी हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में हमको क्या करना है, डबल इम्प्लीकेशन करना है, राइट। देखो हमने ये फाइंड कर लिया, ये भी फाइंड कर लिया, अब इन दोनों के बीच में हमको क्या निकालना है, डबल इम्प्लीकेशन निकालना है, ओके। तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, डबल इम्प्लीकेशन का रूल है, ये माइनस ये प्लस, ओके, ये प्लस माइनस, ये माइनस अगेन, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ठीक है। डबल इम्प्लीकेशन का टेबल कैसे याद करोगे, ट्रू को क्या करो, प्लस समझो, फॉल्स को माइनस समझो, ये डबल इम्प्लीकेशन का रूल है, ठीक है। एंड और के लिए ये वाला रूल समझ लेना, डबल इम्प्लीकेशन के लिए ये वाला रूल है, ठीक है। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, राइट। तो यहाँ पे आएगा फॉल्स, अगेन प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स, ठीक है। माइनस प्लस क्या होता है, अगेन ये क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे आएगा फॉल्स। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो अगेन क्या आएगा, ये फॉल्स आएगा, ओके, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया। और देखो अभी देखो इसके सारे, देखो अभी जो स्टेटमेंट पैटर्न है, इसके सारी वैल्यूज क्या है, फॉल्स आई, फॉल्स आई, तो ये क्या रहेगा, कॉन्ट्रेडिक्शन रहेगा, ठीक है। वो हम लोग आगे करेंगे, बस ऐसे ही बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर थ्री जो इसमें है, ठीक है, वो होमवर्क रहेगा। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर से, इनकेस डाउट रहेगा तो मुझे बोलना, मैं वो भी सॉल्व कर दूंगा, बट तुमको आ जाएगा वो। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर से, सॉल्यूशन अभी चेक करो फिर से, इसमें कितने का कितने स्टेटमेंट्स हैं। देखो एक स्टेटमेंट पी है, एक स्टेटमेंट क्यू है, और एक स्टेटमेंट आर है, ओके। तो मुझे लिखना पड़ेगा पी क्यू और आर, राइट, ठीक है। मैंने क्या लिखा, पी क्यू और आर लिखा। तो अगर देखो, अगर तीन स्टेटमेंट हैं तो मेरे पास आठ वैल्यूज रहेंगी, तो कैसे करोगे, ट्रू 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 लिख लो, फिर फॉल्स 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 फॉल्स, ठीक है। चार बार ट्रू लिखो, चार बार फॉल्स लिखो, ये बात क्लियर हो गया। फिर दो बार ट्रू लिखो, दो बार फॉल्स लिखो, फिर दो बार ट्रू लिखो, दो बार फॉल्स लिखो, ठीक है। इतना क्लियर, देखो दो बार ट्रू, दो बार फॉल्स, दो बार ट्रू, दो बार फॉल्स, ओके। लास्ट वाला कैसे बनाओगे, एक बार ट्रू, एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू, एक बार फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ये बात समझ जाएगा। ओके, अब हमको क्या क्या लगने वाला है उसके ऊपर काम करते हैं हम लोग। तो मुझे P implies, ठीक है, ये ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। हमेशा रूल है कि ब्रैकेट सॉल्व करो, तो ब्रैकेट के अंदर भी एक ब्रैकेट है, तो मैं पहले क्या निकालूंगा, Q एंड R निकाल लूंगा, ठीक है, Q एंड R निकाल लूंगा, फिर नेगेशन ऑफ Q एंड R निकालूंगा, ओके, फिर फाइनली मैं क्या करूंगा, P implies negation of Q and R find कर लूँगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया। अब स्टार्ट करते हैं Q and R, Q and R, ठीक है। Q और R के बीच में हमको एंड ऑपरेशन करना है, ठीक है। वन इंटू वन इज वन, तो ट्रू। वन इंटू ज़ीरो ज़ीरो, फॉल्स। ज़ीरो इंटू वन अगेन ज़ीरो, फॉल्स। ज़ीरो इंटू ज़ीरो ज़ीरो, तो ये भी आएगा फॉल्स, ठीक है। ओके, वन इंटू वन वन, तो ये ट्रू आएगा। वन इंटू ज़ीरो ज़ीरो, ये आएगा फॉल्स। ज़ीरो इंटू वन वन, सॉरी, ज़ीरो इंटू वन अगेन ज़ीरो, तो ये फॉल्स, और ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अभी हमको इसका नेगेशन निकालना है, तो ये हो जाएगा फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ठीक है। अब इसके बाद में हमको क्या करना है, ओके, ये स्टेटमेंट पैटर्न को, ठीक है, हमको पी के साथ में सॉल्व करना है, क्या, इम्प्लाइज, ठीक है, इम्प्लाइज। तो ये स्टेटमेंट, ठीक है, इसको पी के साथ सॉल्व करना, पहले अभी हमको ऑर्डर देखना पड़ेगा, पहले कौन है पी, तो पी के वैल्यूज़ पहले आएंगे, उसके बाद में कौन है नेगेशन ऑफ क्यू एंड आर, तो इसके वैल्यूज़ बाद में आएंगे, ठीक है। ये हमको ध्यान देना है जब अभी कभी भी इम्प्लाइज वाला क्वेश्चन आएगा, तो उसमें ऑर्डर बराबर होना चाहिए,
ओके तो पहला स्टेटमेंट ट्रू, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स, तो इसमें क्या आता है फॉल्स, ठीक है। इधर पे क्या आएगा ट्रू आएगा, ठीक है। इधर पे भी क्या आएगा ट्रू आएगा, ठीक है। यहाँ भी क्या आएगा ट्रू, पहला फॉल्स दूसरा फॉल्स, ओके पहला फॉल्स दूसरा फॉल्स, तो भी क्या आएगा ट्रू आएगा, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू तो ट्रू, ठीक है। यहाँ पर भी क्या आने वाला है ट्रू आने वाला है, यहाँ पर भी क्या आने वाला है ट्रू आने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर, तो इसमें एफ आया बाकी सब ट्रू है, ठीक है। काम करते हैं हम लोग थर्ड वाला, क्वेश्चन नंबर थ्री पे आते हैं, ठीक है ओके। तो यहाँ पे देख लो पी है क्यू है और आर है, तीन स्टेटमेंट है, तो इसलिए मैंने ये बना लिया है, हमने देखा था डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर फोर में। अभी हमको क्या करना है ब्रैकेट सॉल्व करना है, पी एंड क्यू निकालना है राइट, इसके बाद में क्यू और आर निकालना है, और फिर फाइनली हमको पी एंड क्यू, क्यू और आर, ठीक है, इसके बीच में डबल इम्प्लिकेशन है उसको सॉल्व करना है ओके। तो पी एंड क्यू, पी एंड क्यू का टेबल देखो तो ये आएगा ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, यहाँ पर भी फॉल्स, यहाँ पर भी फॉल्स और यहाँ पर भी फॉल्स, ठीक है पी एंड क्यू। अब हमको नेक्स्ट क्या निकालना है पी और क्यू, ओके और ऑपरेशन, तो ये आएगा ट्रू, ये भी आएगा ट्रू, ये आएगा ट्रू, ये होगा फॉल्स, ये होगा ट्रू, ये भी होगा ट्रू, ये होगा ट्रू और ये होगा फॉल्स, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब हमको डबल इम्प्लिकेशन, डबल इम्प्लिकेशन में क्या होता है, ठीक है, दोनों ट्रू तो ट्रू और दोनों फॉल्स तो भी क्या होता है ट्रू होता है, यानी सेम सेम रहेगा, ठीक है, तो ट्रू रहेगा। तो ये आएगा ट्रू, ये भी आएगा ट्रू, ये हो जाएगा फॉल्स, ये हो जाएगा ट्रू, ये हो जाएगा फॉल्स, ये भी हो जाएगा फॉल्स, ये भी फॉल्स और ये है ट्रू, ओके ओके। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर फाइव से लेके क्वेश्चन नंबर टेन तक का, ठीक है, ये पूरा क्या रहेगा होमवर्क रहेगा, इनकेस इसमें कुछ डाउट रहेगा तो सॉल्व कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन में, क्वेश्चन नंबर फाइव से लेके टेन तक का पूरा होमवर्क रहेगा, इनकेस इसमें कुछ डाउट होगा तो मुझे बोलना, मैं ये भी सॉल्व कर दूंगा, बट तुमको आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर टू स्टार्ट करते हैं, यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूफ लॉजिकल इक्विवेलेंस, ओके ठीक है, मतलब हमको ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमको प्रूफ करना है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले ऑब्जर्व करो इसमें कितने स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर दो ही स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट पी है एक स्टेटमेंट क्यू है, ठीक है, ये चीज़ तो हमको क्लियर हो गई। इसके बाद में अब इसमें ध्यान से देखो कि क्या क्या चीज़ें हमको और लगने वाली हैं, बेसिक चीज़ें। तो देखो हमको एक नेगेशन पी लगेगा, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, नेगेशन पी लिख लिया, ठीक है। सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं लेफ्ट हैंड साइड के लिए काम करूँगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमको क्या क्या लगने वाला है मैं वो चीज़ें यहाँ पे बनाते जाऊँगा, टेबल में ड्रॉ करते जाऊँगा। तो यहाँ पे क्या लगेगा, नेगेशन पी लगेगा, तो नेगेशन पी बनाया। अब नेक्स्ट नेगेशन पी एंड क्यू, ठीक है, अब मेरा लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गया। अब आते हैं राइट हैंड साइड के लिए, तो यहाँ पे देखो क्या लगेगा, पी और क्यू लगेगा, ओके तो मैंने लिख लिया पी और क्यू। इसके बाद में हमको पी और क्यू, ठीक है, इसके साथ में हमको क्या करना है, एक एंड ऑपरेशन करना है यूजिंग नेगेशन पी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, तो ये ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ओके इतना क्लियर हो गया। अब इस पी का हमको क्या निकालना है, नेगेशन निकालना है, तो ये हो जाएगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, इतना क्लियर। नेक्स्ट अभी हमको क्या करना है, नेगेशन पी एंड क्यू करना है, ओके एंड ऑपरेशन करना है, तो ये फॉल्स होएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, इतना क्लियर है। इसके बाद में पी और क्यू निकालना है, तो ये ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू और लास्ट वाला हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। अब पी और क्यू तो मिला, पी और क्यू को क्या करना है हमको, नेगेशन ऑफ पी के साथ में एक एंड ऑपरेशन करना है, तो ये वाला टेबल हमको देखना पड़ेगा, ये टेबल को इस टेबल से हमको सॉल्व करना पड़ेगा, ओके ध्यान से देखो। पी और क्यू को हमको नेगेशन ऑफ पी के साथ में क्या करना है, एंड ऑपरेशन करना है, कौन सा ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन, ओके। तो इस टेबल को और इस टेबल को ध्यान से देखो, तो ये आएगा फॉल्स, ये भी आएगा फॉल्स, ठीक है, ये आएगा ट्रू और ये आएगा फॉल्स, ओके ये बात क्लियर हो गया। अब इतना करने के बाद ये सब हो जाएगा, तो ऊपर एक टेबल और बना लो ऐसे यहाँ पे, ठीक है, तो इस पर लिख दो वन टू थ्री, ये हो गया फोर, ये हो गया फाइव और ये हो गया सिक्स, ठीक है। अभी जो ये वाला स्टेटमेंट पैटर्न है कौन से कॉलम में है, तो वो ये कॉलम में है, कौन से कॉलम में है, फोर्थ कॉलम में है, ठीक है। अब ये वाला पूरा स्टेटमेंट पैटर्न कौन से कॉलम में है, तो इस लास्ट कॉलम में है, ठीक है। अब इन दोनों कॉलम को चेक करो प्रॉपरली,
क्या सेम आ रहा है क्या? ये दोनों कॉलम को देखो प्रॉपरली, चेक करो सेम आ रहा है, देखो सेम आ रहा है। ओके क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो इसको लिखोगे कैसे कि कॉलम फोर्थ एंड सिक्स आर आइडेंटिकल, क्या है आइडेंटिकल यानी कि सेम सेम है, क्या है आर आइडेंटिकल, देयर फोर, देयर फोर मैं बोल सकता हूँ कि स्टेटमेंट पैटर्न पी एंड क्यू इज इक्विवेलेंट, सॉरी नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू इज इक्विवेलेंट टू पी और क्यू एंड नेगेशन पी। ठीक है, ऐसे करना है। ओके आई होप सो। तो क्वेश्चन नंबर टू स्टार्ट करते हैं। ओके तो देखो यहाँ पे दो ही स्टेटमेंट था, तो इसलिए मैंने पी और क्यू पहले से ही बना लिया है। नेक्स्ट हम लोग का करते हैं, पहले चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड के पास। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसको देख लो। ठीक है, अभी स्टेटमेंट पी है और क्यू है, क्या इसका नेगेशन लगने वाला है कहीं? तो हाँ यहाँ पे हमको लगने वाला है, तो इसलिए मैंने नेगेशन ऑफ पी का भी टेबल बना लिया। क्या नेगेशन ऑफ पी कहीं दिख रहा है? यहाँ पे नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी हम लोग इस ब्रैकेट पे आते हैं, फिर मैं लिखता हूँ पी और क्यू। ओके इसके बाद में नेगेशन ऑफ पी और क्यू। ओके ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद हमको क्या चाहिए? ये वाला ब्रैकेट, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू चाहिए। ठीक है, इसके बाद में ये पूरा हम सॉल्व करेंगे। ओके ये पूरा क्या है? नेगेशन ऑफ पी और क्यू। ओके इसका और ऑपरेशन विथ नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू के साथ में। ओके ये बात क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके और फिर लास्ट में राइट हैंड साइड हमको इधर पे क्या चाहिए? नेगेशन ऑफ पी चाहिए। तो सॉल्व करो इसको, नेगेशन ऑफ पी तो हमने पहले से ही बना लिया, यहाँ पर तो है। सॉल्व करो इसको, तो देखो यहाँ पे क्या नेगेशन ऑफ पी हमको पहले सॉल्व करना है, तो ये आ जाएगा फॉल्स, ये भी आएगा फॉल्स, ये हो जाएगा ट्रू, ये हो जाएगा ट्रू। अब हमको निकालना है पी और क्यू निकालना है, पी और क्यू तो ट्रू 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 फॉल्स। ठीक है, अब इसका नेगेशन चाहिए मुझे, तो यहाँ पे आएगा एफ 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 और ये हो गया टी। इतना क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट हमको नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू चाहिए। ठीक है, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू यानी इसको हमको ध्यान देना है, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू। ओके एंड ऑपरेशन करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा? फॉल्स आएगा, यहाँ पर भी फॉल्स आएगा, ये ट्रू आएगा और ये फॉल्स आएगा। ओके इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब देखो हमको ये वाला ब्रैकेट मिल गया, ये वाला ब्रैकेट ही मिल गया, और इसके बीच में हमको और ऑपरेशन करना है, तो हमारा ये फाइनल टेबल हो जाएगा। ओके यानी कि इसके बीच में, इन दोनों के बीच में हमको क्या करना है? और ऑपरेशन करना है। तो यहाँ पे आएगा फॉल्स, यहाँ पर भी आएगा फॉल्स, यहाँ पे आएगा ट्रू और यहाँ पे आएगा ट्रू। ठीक है, अभी क्या करो? चेक करो। क्या चेक करो? तो इसके पहले एक काम पहले और कर लो। ठीक है, इधर पे हो गया, ये हो गया कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री, कॉलम फोर, कॉलम फाइव, कॉलम सिक्स और ये हो गया कॉलम सेवन। ठीक है, ये हो गया कॉलम सेवन अभी। ठीक है, ये कॉलम सेवन है और ये वाला कॉलम जो थ्री है, इन दोनों को चेक करो ध्यान से, कॉलम थ्री और कॉलम सेवन को देखो क्या सेम है। देखो ध्यान से, दोनों देखो एकदम सेम है, दोनों एकदम सेम है, तो मैं बोल सकता हूँ कि कॉलम कॉलम थ्री एंड कॉलम सेवन ओके आर आइडेंटिकल, देयरफोर नेगेशन ऑफ, देयरफोर नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, मैं पूरा लिख लेता हूँ। ओके इज इक्विवेलेंट टू राइट हैंड साइड, इट इज नेगेशन ऑफ पी। क्लियर हो गया ये चीज़? ओके तो क्वेश्चन नंबर थ्री पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर टू के रिमेनिंग सब सारे होमवर्क रहेंगे। ओके घर पे ट्राई करना है, अगर नहीं आता है तो मुझे बताओ, मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। बट मैं कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ कि अगर तुम इसको फोकस करके वीडियो देखोगे, तुमको हर चीज़ समझ जाएगा और बाकी क्वेश्चंस तुम कर पाओगे। ओके अब क्वेश्चन नंबर थ्री पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री में हमको बताना है कि जो गिवन स्टेटमेंट पैटर्न है, ओके क्या वो टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है या फिर कंटिजेंसी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ, सॉल्यूशन। ओके तो स्टार्ट करते हैं इसको। दो स्टेटमेंट है तो हमको लिखना पड़ेगा पी एंड क्यू।
TFTF, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाओ। जो हमारे नीट के हिसाब से हमको पी एंड क्यू चाहिए, तो मैंने एक उसका कॉलम बना लिया, फिर बाद में क्यू और पी चाहिए, उसका कॉलम बना लिया, फिर फाइनली हमको क्या चाहिए, पी एंड क्यू चाहिए, ठीक है, इम्प्लाइज क्यू और पी। ओके, इतना क्लियर है। तो पी एंड क्यू निकालेंगे, तो ये ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। फिर हमको क्या निकालना है, क्यू और पी, क्यू और पी या पी और क्यू, दोनों बात एक ही है। तो ये वाला टेबल क्या आएगा, ये आ जाएगा ट्रू 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 और फॉल्स, ठीक है। अभी इन दोनों के बीच में हमको क्या है, इम्प्लाइज देखना है, इम्प्लाइज देखना है, तो ये ट्रू आएगा, ये भी ट्रू आएगा, ये ट्रू आएगा, और ये भी क्या आएगा, ट्रू आएगा, राइट है अभी, ठीक है। तो देखो ये लास्ट कॉलम देखो, सारे के सारे क्या है, ट्रू है, तो मैं बोल सकता हूँ कि देयरफॉर देयरफॉर ऑल ऑल ट्रूथ वैल्यूज, ओके, ऑल ट्रूथ वैल्यूज इन लास्ट कॉलम, ऑल ट्रूथ वैल्यूज इन लास्ट कॉलम आर क्या है, टी है, ओके, आर टी है, हेंस इट इज टॉटोलॉजी, ओके, ठीक है, समझ जाएगा। कॉन्ट्रडिक्शन में क्या होता है, सब फॉल्स होंगे, और कंटिजेंसी में ट्रू फॉल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट सम पे आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर टू जो है होमवर्क है, ओके, ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर थ्री करते हैं हम लोग, सॉल्यूशन पी क्यू, ठीक है। देखो हमको नेगेशन पी लगने वाला है और नेगेशन क्यू भी लगने वाला है, तो उसका भी टेबल बना लो, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, ठीक है। इसके बाद में ये ब्रैकेट सॉल्व करो पहले, तो नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, यानी पूरा सॉल्व करो, नेगेशन ऑफ नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, ठीक है। इसके बाद में फाइनली ये पूरा सॉल्व करो, नेगेशन ऑफ, ओके, ब्रैकेट और क्यू करना है, ठीक है, इतना बात क्लियर हो जाएगा। इसको जरा फिट कर लो बराबर। इसके बाद में ये ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ओके, इतना क्लियर हो गया। नेगेशन ऑफ पी क्या आएगा, तो ये फॉल्स ये फॉल्स ये ट्रू ये ट्रू। नेगेशन ऑफ क्यू क्या आएगा, क्यू को देखना, तो फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अभी हमको पहला ये सॉल्व करना है, नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, यानी ये वाला नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, ठीक है, दोनों फॉल्स, एंड ऑपरेशन लगाना, दोनों फॉल्स, तो फॉल्स यहाँ पर भी फॉल्स, यहाँ पर भी फॉल्स, और यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इसके बाद में इसका फिर से नेगेशन करना है, तो ये ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, और ये वाला क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इसके बाद में ये जो वैल्यू मिलेगी, इस वैल्यू को, इस पूरे वैल्यू को हमको क्या करना है, क्यू के साथ में और ऑपरेशन करना है, तो हमको ध्यान से देखना पड़ेगा, वो यहाँ पे है, इस क्यू के साथ में, ठीक है, इसको और इसको हमको और ऑपरेशन करना है, ठीक है। तो देखो दोनों ट्रू तो ट्रू, ठीक है, फॉल्स ट्रू तो भी ट्रू, ठीक है, ट्रू फॉल्स आया तो भी क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है, दोनों फॉल्स रहेंगे तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ये तो लफड़ा हो गया, हाँ तो ये बराबर है, ठीक है, तो ये चेक कर लेना। देखो यहाँ पे क्या आया, ठीक है, ट्रू फॉल्स ऐसे कुछ आ रहा है, मतलब ट्रू और फॉल्स दोनों आए, तो ये क्या रहेगा, कंटिजेंसी रहेगा। तो लिख सकते हो जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन लिखा था कि ऑल द वैल्यूज इन द लास्ट कॉलम, ओके, ऑल द ट्रूथ वैल्यूज इन द लास्ट कॉलम आर नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स, या फिर ऐसे लिख लो, या फिर लिख लो कि आर नॉट सेम, ठीक है, नदर ट्रू नॉर फॉल्स ऐसे मत लिखो, क्या लिखो कि आर ऑल द वैल्यूज इन द लास्ट कॉलम आर नॉट सेम, हैंस इट इज कंटिजेंसी, ओके ओके। तो इसके भी बाकी क्वेश्चन होमवर्क रहेंगे, ओके, ट्राई करना, कुछ भी नहीं आएगा तो मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। स्टार्टिंग से इसको देखो, सब कुछ इसे वीडियोस को स्टार्टिंग से देखो, सब कुछ समझ जाएगा तुमको, ओके।